वर्ष की सभी 12 मासों ने जैसे एक साथ महाराष्ट्र को घेर लिया। वर्ष के बाद वर्ष बीतते गए। इसी तरह 250 वर्ष बीत गए। ऐसी काली हागी रात में पैठन के मंदिर में अनाथ लोगों का एक नाथ तड़प रहा था और माँ जन जगदम्बा के दरवाजे पर पुकार पुकार कर कह रहा था, कबीर अम्बे प्रकट हो जा, महूर लक्ष्मी प्रकट हो जा, कंस रावण को तुमने ही मारा, हिरण्य कश्यपु की आंख तुमने बाहर निकल, सागर पार कर तूने ही लंका की धुरी जलाई, नवखंड पृथ्वी ये तेरी गन चुकी, सत पाताल में तेरे ही चरण, ऐसी तेरी कीर्ति यही तेरी मूर्ति, इसी तरह की भक्ति इसी तरह की शक्ति, तो हे मां अब क्यों रुकी हो, हे चंद्रबुंद भंडासुर कंडेली जगदम्बे, उत्पन्न बेचैन रहती थी। शाहजी राजे अहमदनगर की निजाम शाही की जी जान से नौकरी कर रहे थे। इस निजाम शाही को डुबा देने के लिए दिल्ली और बीजापुर से शाही फौज इकट्ठा होकर हमला करने आई। लेकिन अचरज की बात यह कि शाहजी राजा ने इन दोनों शाही फौजों को परास्त कर निजाम शाही बचा ली, दुनिया की आंखों में चकाचौंध पैदा कर दी और राजा घर आए जीजाऊ से मिलने के लिए। राय साहबा हमने दो बादशाहों को पराजित किया, हमने शानदार विजय पाया। आपकी आरती उतारने में बहुत खुशी हो रही है महाराज।
महाराज, आपने कमाल की बहादुरी दिखाई है, लेकिन किसके लिए? हजरत जिलाली बादशाह निजाम शाह के लिए। इन्हीं सुल्तानों के पैरों तले गरीब मराठा लोगों के घर बार और इज्जत उछली जा रही है महाराज। गुलामों के बाजार में हमारे बहू का रोना धोना आपको कभी सुनाई देता ही नहीं महाराज। नहीं कैसे रानी साहिबा, माँ जगदम्बा के पास वो एक ही बार मांग रही थी, हे अंबिके, हे चंडिके, हे शारदे, वरदान दे, मुझे अस्त्र दे, मुझे शस्त्र दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे बाण दे, उन्मत्त इन सिंहासनों को तोड़ने का सामर्थ्य दे, नाश करने दैत्यों का, हे अंबिके वरदान दे, हे अंबिके वरदान दे। और मोगरा खिल उठा, शाहजी राजा ने जान लिया, सखी सहेलियों ने पहचान लिया, जीजाओं के पांव भाई हो गए। चलो मगर बुरा है कैसा, लहर की बहर तुरा पाखों में है खाना, खाना
बच्चे कैसी खेलियों की तरह खेल रहे हैं।